हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आपका स्वागत है मेरे चैनल मुस्टैच मैन पर। और हम लोग बीकानेर से निकल चुके हैं। हमने रूम अभी जस्ट 15 मिनट पहले चेकआउट किया है और अभी बज रहे हैं अराउंड सुबह के 11। और हम लोग जा रहे हैं गजनेर लेक की तरफ। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 12 या फिर 13 किलोमीटर दूर पड़ती है लेक यहाँ से। खाना काफ़ी अच्छा था उस होटल का और ज़्यादा बिल भी नहीं बैठा उस होटल का। अराउंड 1200 रुपये में हमारा सारा बिल हो गया उस होटल का। और अभी बस हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे गजनेर लेक। गजनेर लेक यहाँ से अराउंड अभी बस 1 या फिर 1.5 किलोमीटर और बची होगी, तो फिर चलते हैं लेक की तरफ और दिखाते हैं आपको कि लेक में क्या क्या है। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं गजनेर लेक और हमने एंट्री ले ली है अंदर। हमने रजिस्टर में अपने नाम एंटर कर दिए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं लेक और रेस्टों की एंट्री की तरफ। बहुत ही बड़ा प्रेमिसेस है दोस्तों, ये सारा गार्डन गजनेर लेक का है। और बस सामने से राइट और फिर हमारा आ जाएगा गजनेर लेक का मेन डोर, जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। और ये हम लोग पहुंच गए हैं गजनेर लेक के मेन गेट पर। यहाँ पर हम लोग अपनी बाइक पार्क करते हैं, अपना लगेज उतारते हैं और चलते हैं लेक के अंदर। तो दोस्तों, हमारे सामने है गजनेर लेक की मेन एंट्री। यही एक एंट्री है जहाँ से हम लोग रेस्टोरेंट भी जाएंगे और लेक भी जाएंगे। इन्होंने कोरोना को देखते हुए सैनिटाइजेशन का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। हमारी बाइक को सैनिटाइज़ किया गया है, हमारे जो लगेज बैग है, बैकपैक है, उसको सैनिटाइज़ किया गया है। और अभी अंदर हमें टूरिस्ट रजिस्टर में यहाँ पर एंट्री करनी होगी, हमारे नाम, हमारा एड्रेस और हमारा टेम्परेचर भी लिया जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है कोरोना के टाइम में। और ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से दिखता है लेक का रिसेप्शन एरिया। बहुत अच्छा और क्लासी लुक दिया हुआ है। यहाँ पर हम थोड़ा देर और रुकेंगे और जो रिसेप्शनिस्ट हैं हमारे, उनसे हम थोड़ी सी और बातें करेंगे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे लेक के बारे में। तो दोस्तों, हमने अभी भी पता किया है और ये बोल रहे हैं कि गजनेर लेक काफ़ी बहुत बहुत पुराना लेक है और ये अभी भी प्राइवेटली ओन लेक है, जिसको बाद में रेस्टोरों में कन्वर्ट कर दिया गया था। और ये है हमारे रेस्टोरों का गार्डन एरिया और सामने है शिव जी का टेंपल। और आपका लेफ्ट में है हमारा गजनेर लेक, जिसे हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। इनका कहना है कि इस लेक में पहले शूटिंग होती थी, राजा महाराजा यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते थे, शिकार किया जाता था यहाँ पर बर्ड्स का। लेकिन जब से ये सब एक्वायर किया गया है, तब से इसको एक रेस्टोरेंट का रूप दे दिया गया है। और लेक में टूरिस्ट वगैरह लोग बहुत बहुत दूर से घूमने आते हैं, फॉरेनर्स काफ़ी दूर से घूमने आते हैं। अभी कोरोना का टाइम है तो इसलिए आपको थोड़ा सा कम यहाँ पर हलचल दिखाई दे रही है, अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होती है लेक के आसपास, क्योंकि बीकानेर में सबसे फेमस ये गजनेर लेक ही है। और अभी हम एंटर कर रहे हैं डाइनिंग एरिया में। ये हमारा डाइनिंग हॉल। मैं आपको बता दूं कि डाइनिंग हॉल और आपका जो किचन एरिया है वो यहाँ से काफ़ी दूर है डाइनिंग हॉल से। ये बस डाइनिंग हॉल है, किचन एरिया लेक के सामने है, यहाँ से करीब करीब 150-200 मीटर दूर होगा किचन एरिया। और वहीं से फ्रेशली खाना प्रिपेयर होकर यहाँ पर लाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स की वीडियोग्राफी के लिए हम लोगों को मना कर दिया गया था, तो इसलिए हम रेस्टोरेंट की वीडियो ही पे एंड करते हैं। हम आपको आगे बताते हैं लेक में और क्या क्या है देखने के लिए, तो देखते रहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने है हमारी गजनेर लेक का इतना ब्यूटीफुल व्यू। बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है,
कभी आप विज़िट करेंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि मैं शायद वर्ड्स में नहीं बता सकता कि कितना सुंदर व्यू लग रहा होगा मुझे इस टाइम। गजनेर लेक बीकानेर सिटी से अराउंड 15 किलोमीटर दूर है, रेलवे स्टेशन से अराउंड 14-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ पर आने के लिए आपको लोकल ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा, और अगर आप अपने व्हीकल से आए हैं तो वेल एंड गुड। आप बीकानेर से अराउंड 20 मिनट में यहाँ पर आराम से पहुँच जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये है लेक का प्रीमिसेस, ये है लेक का सिटिंग एरिया, पीछे ही लेक का गार्डन है। और आप कई किलोमीटर आगे दूर तक देख सकते हैं कितनी बड़ी लेक है ये। और यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ शूटिंग की जाती थी, लेकिन बाद में इसको एक रेस्टोरों का रूप दे दिया गया है और अभी यहाँ पर शूटिंग बंद है क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है पूरी तरह से। और ये देखिए ये है गार्डन एरिया, बहुत ही सुंदर गार्डन है, बहुत स्पेशियस है, सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है गार्डन का। और ये सामने है किचन, इस किचन के जस्ट सामने ही अराउंड 150 मीटर दूर डाइनिंग हॉल है और इधर सामने किचन है, यहीं से खाना बनकर उधर जाता है। और ये है हमारी गजनेर लेक। ये लेक फोर्ट के चारों तरफ से ज़्यादा गहरी नहीं है, थोड़ा बीच में जाकर के काफ़ी गहरी लेक है ये। तो हमारा खाना रेडी हो गया है, हम लोग इन्जॉय करते हैं खाना। और आप लोगों को मैं एक बार मेन्यू दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और कितने प्राइस में हैं। तो चलिए चलते हैं। ये बीकानेर से अराउंड 12-14 किलोमीटर दूर है और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया है ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पर थोड़ा एक्टिविटी कम रहती है आसपास के लोगों की, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट थोड़ा सा कॉस्टली है ऑब्वियसली। दो लोगों के ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर आपको पे करना पड़ सकता है 2000 या फिर उससे भी ज़्यादा, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो अभी आप देख रहे हैं गार्डन एरिया, ये गार्डन एरिया रेस्टो का गार्डन एरिया है, लेक का गार्डन एरिया हम लोग पीछे छोड़ के आ चुके हैं जहाँ पर मैंने ब्रीफिंग की थी थोड़ी सी। देखिए कितनी सुंदर एंट्री है। और उधर सामने ही हमारा रेस्टो है लेफ्ट में। मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया है, आप लोग देख ही सकते हैं, लेकिन ठीक है चलता है, करेंगे इसको भी कम। और अभी हमारा जाने का टाइम हो गया है तो फिर बाय बाय गजनेर लेक। और अभी हम चलते हैं लेक से बाहर। और अभी तक हमने कुछ प्लान नहीं किया है कि हम गजनेर लेक के बाद अगला स्टॉप हमारा कहाँ होने वाला है। अगला स्टॉप हमारा जहाँ भी होगा आप लोगों को हम बता देंगे, पहले से अपडेट मिल जाएगी आप लोगों को। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, खुश रहिए और कीप ट्रैवलिंग।